गाइज, इन दिनों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड इंडस्ट्री की कई सारी शानदार और जबरदस्त फिल्में चल रही हैं, जिनमें अक्षय कुमार स्टारर फिल्म खेल खेल में, राजकुमार राव श्रद्धा कपूर स्टारर फिल्म स्त्री 2 और जॉन अब्राहम स्टारर फिल्म वेदा जैसी फिल्में शामिल हैं। आपको बता दें, इन सभी फिल्मों को आज सिनेमाघरों में रिलीज हुए 27 दिन पूरे हो चुके हैं। इस वीडियो में हम इन सभी फिल्मों के 27वें दिन के इंडियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसके साथ ही इस वीडियो में हम इन सभी फिल्मों के 28वें दिन की इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में भी आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखते रहिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं अक्षय कुमार स्टारर फिल्म खेल खेल में के बारे में। आपको बता दें, ये एक कॉमेडी ड्रामा रोमांस से भरपूर फिल्म है। साथ ही साथ आपको बता दें, इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 2100 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। वहीं इस फिल्म के स्टार कास्ट में हमें अक्षय कुमार, प्रज्ञा जायसवाल, वाणी कपूर, फरदीन खान, आदित्य सील, एमी विर्क और तापसी पन्नू जैसे कलाकार नजर आए हैं। वहीं आपको बता दें, इस फिल्म का निर्देशन मुदस्सर अजीज ने किया है। इस फिल्म को IMDb पर 7/10 की रेटिंग मिली है। बात की जाए इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, इस फिल्म ने अपने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस से 5.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। पहले हफ्ते में इस फिल्म ने 19.35 करोड़, दूसरे हफ्ते में 6.85 करोड़, तीसरे हफ्ते में 5.70 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। वहीं 25वें दिन 1.10 करोड़, 26वें दिन 30 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। वहीं 27वें दिन यानी मंगलवार के दिन में इस फिल्म ने 29 लाख रुपए की रेंज में कलेक्शन किया है, जिससे इस फिल्म का टोटल 27 दिनों में इंडिया में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 34.99 करोड़ रुपए का हो गया है। वहीं आपकी के लिए बता दें, इस फिल्म का बजट 120 करोड़ रुपए के रेंज में बताया गया है। वहीं अब तक के कलेक्शन के साथ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हो चुकी है। वहीं इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में चर्चा की जाए तो आपको बता दें, फिल्म खेल खेल में ने अब तक दुनिया भर से तकरीबन 52.50 करोड़ रुपए के रेंज में कलेक्शन कर लिया है। साथ ही साथ इस फिल्म के 28वें दिन के इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में चर्चा की जाए तो आपको बता दें, ये फिल्म अपने 28वें दिन यानी अपने चौथे बुधवार को इंडियन बॉक्स ऑफिस 25 लाख रुपए के रेंज में कलेक्शन करने वाली है। वहीं अब बात कर लेते हैं जॉन अब्राहम स्टारर फिल्म वेदा के बारे में। आपको बता दें, ये एक एक्शन थ्रिलर से भरपूर फिल्म है। इस फिल्म के स्टार कास्ट में हमें जॉन अब्राहम, सरवरी, तमन्ना भाटिया, क्षितिज चौहान, अभिषेक बनर्जी और आशीष विद्यार्थी जैसे कलाकार नजर आए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, इस फिल्म का निर्देशन निखिल आडवाणी ने किया है। वहीं आपको बता दें, इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 2000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। वहीं इस फिल्म को IMDb पर 6.7/10 की रेटिंग मिली है। बात की जाए इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, इस फिल्म ने अपने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस से 6.30 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। पहले हफ्ते में इस फिल्म ने 17.60 करोड़, दूसरे हफ्ते में 3.15 करोड़, तीसरे हफ्ते में 1.19 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। वहीं 25वें दिन 18 लाख, 26वें दिन 7 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। वहीं 27वें दिन यानी मंगलवार को दिन इस फिल्म ने 5 लाख रुपए के रेंज में कलेक्शन किया है, जिससे इस फिल्म का टोटल 27 दिनों में इंडिया में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 22.41 करोड़ रुपए का हो गया है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस फिल्म का बजट 50 करोड़ रुपए के रेंज में बताया गया है। वहीं अब तक के कलेक्शन के साथ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर फ्लॉप साबित हो चुकी है। वहीं इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में चर्चा की जाए तो आपको बता दें, इस फिल्म ने अब तक दुनिया भर से तकरीबन 30.90 करोड़ रुपए के रेंज में कलेक्शन कर लिया है। साथ ही साथ इस फिल्म के 28वें दिन के इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में चर्चा की जाए तो आपको बता दें, ये फिल्म अपने 28वें दिन यानी अपने चौथे बुधवार को इंडियन बॉक्स ऑफिस से 4 लाख रुपए के रेंज में कलेक्शन करने वाली है। वहीं अब बात कर लेते हैं राजकुमार राव स्टारर फिल्म स्त्री 2 के बारे में। आपको बता दें, ये एक हॉरर कॉमेडी थ्रिलर से भरपूर फिल्म है। वहीं इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 4500 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। वहीं इस फिल्म के स्टार कास्ट में हमें श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव, अपार शक्ति खुराना, पंकज त्रिपाठी और अभिषेक बनर्जी जैसे कलाकार नजर आए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, इस फिल्म में वरुण धवन, अक्षय कुमार और तमन्ना भाटिया का शानदार कैमियो भी है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस फिल्म का निर्देशन अमर कौशिक ने किया है। साथ ही साथ इस फिल्म के IMDb को लेकर चर्चा की जाए तो आपको बता दें, इस फिल्म ने अपने IMDb पर 7.7/10 की रेटिंग मिली है। वहीं अगर बात की जाए इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, आपको बता दें, इस फिल्म ने अपने पहले दिन के लिए पेड प्रीव्यू से 8.50 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। पहले दिन इस फिल्म ने 51.80 करोड़, पहले हफ्ते में 291.65 करोड़, दूसरे हफ्ते में 141.40 करोड़, तीसरे हफ्ते में 70.20 करोड़ रुपए का कलेक्शन इस फिल्म ने किया था। वहीं 25वें दिन इस फिल्म ने 11 करोड़, 26वें दिन 3.25 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था।
वहीं 27वें दिन यानी मंगलवार को इस फिल्म ने 3 करोड़ रुपए की रेंज में दमदार कलेक्शन किया है, जिससे इस फिल्म का टोटल 27 दिनों में इंडिया में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 533 करोड़ 50 लाख रुपए का हो गया है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस फिल्म का बजट 65 करोड़ रुपए की रेंज में बताया गया है। वहीं अब तक के कलेक्शन के साथ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हो चुकी है। साथ ही साथ इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में चर्चा की जाए तो आपको बता दें, इस फिल्म ने अब तक दुनिया भर से तकरीबन 758 करोड़ 50 लाख रुपए के रेंज में कलेक्शन कर लिया है। साथ ही साथ इस फिल्म के 28वें दिन की इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में चर्चा की जाए तो आपको बता दें, ये फिल्म अपने 28वें दिन यानी अपने चौथे बुधवार को इंडियन बॉक्स ऑफिस से 2 करोड़ 80 लाख रुपए के रेंज में कलेक्शन करने वाली है। वैसे कि आपको अक्षय कुमार स्टार फिल्म खेल खेल में, जॉन अब्राहम स्टार फिल्म वेदा और राजकुमार राव श्रद्धा कपूर स्टार फिल्म स्त्री 2 में से कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद आई, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय देना मत भूलिएगा। वहीं ऐसी वीडियो के अपडेट के लिए हमारे चैनल मूवी फॉर अपडेट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।